हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। महत्वपूर्ण संगठन में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसमें बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, याद रखिए आपके जितने भी संगठन ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी आपके महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसकी स्थापना 1947 में कहाँ हुई थी? चीन संघाई में। इसकी स्थापना 1947 में कहाँ हुई? चीन संघाई में। इसका मुख्यालय है बैंकॉक थाईलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में। 53 सदस्य हैं इसके, 9 सहयोगी सदस्य भी हैं, इसमें भारत भी शामिल है। 53 सदस्य हैं, 9 सहयोगी सदस्य हैं, भारत भी इसमें शामिल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय विकास से जुड़ा सबसे बड़ा निकाय है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय विकास से जुड़ा सबसे बड़ा निकाय है आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसके पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य की बात करें हम लोग, स्थापना के समय इसका नाम था इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया द फॉर ईस्ट ECAFE। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आर्थिक पुनर्संरचना पर फोकस इसका आरंभिक उद्देश्य था। सामाजिक पहलुओं पर जोर, सांझी संपन्नता, सामाजिक समता, धारणीय परावल इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। UNASCAP के कार्यों की बात करें तो 1959 में एशियन हाईवे नेटवर्क की लॉन्चिंग की थी इसने। पूरे क्षेत्र में सीमा पारीय मार्ग का विकास वर्तमान में 22 देशों को जोड़ता है। 2017 में एशिया प्रशांत क्षेत्र पहला क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक्शन प्लान शुरू किया। क्षेत्रीय स्तर पर इसने हाल ही में UNSCAP वार्षिक रिपोर्ट जारी की। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें हम लोग, निर्धनता उन्मूलन और विकास के लिए वित्तीय, व्यापार और निवेश और नवाचार पर फोकस, सूचना दूरसंचार पर फोकस तथा आपदा जोखिम को कम करना, विकास के मद्देनज़र उप क्षेत्रीय गतिविधियां अपनाना। 27 से 31 मई 2019 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ये था आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में।